अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे और हमेशा ठीक रहें, खुशबाश रहें, आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले मैं सुमैरा उमर से कहूँगी कि कल उन्होंने कमेंट्स में मुझे कहा कि आपकी शर्ट ख़राब हो गई, तो शर्ट मैंने कल ठीक करवा ली थी लेकिन आपको दिखाना भूल गई थी। तो ये देखें, माशाल्लाह से मैंने इसको बड़ा अच्छा ज़बरदस्त करवा लिया था। ये देखिए, मैंने इसको, इसका हल मैंने पूछा लेकिन हल इसका नहीं निकल रहा था, तो फिर मैंने यहाँ से इसका ये हिस्सा ये कटेड करवाया। उसके बाद ये मैंने डिज़ाइनिंग ऊपर मिलते जुलते फूल ये देखें मैंने लगवाए ऊपर, और ये देखिए, और ये बहुत अच्छी। लेकिन ये उसके बाद ये था कि इसके नीचे हम कोई पजामा वगैरह, शॉर्ट या फिर कोई शलवार नहीं पहन सकते, तो फिर मैंने सोचा कि हम साथ इसके अपनी जीन्स लगा लेंगे। तो माशाल्लाह से ये बड़ी ज़बरदस्त हो चुकी है। देखिए, ये हाथ की एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़बरदस्त है, तो ये शर्ट मुझे बहुत पसंद थी। तो देखिए, मैंने इसका हल निकाल लिया है। और उसके बाद सुमैरा उमर ने मेरे बच्चों के कपड़ों की तारीफ़ की, तो मैं उनसे कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आज मैंने अपना भी थोड़ा सा गेटअप बहुत अच्छा किया है, और सिस्टर के बाल सेट करने लगी हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम बाल कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। जाहिर सी बात है, आज मैं ब्यूटिशियन बनी हूँ, तो सोचा कि जाहिर सी बात है ब्यूटिशियन के जैसा रेडी भी तो हो जाऊँ ना। तो मॉडल मेरी वेट कर रही है, तो चलिए हम बनाते हैं हेयर। तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने हेयर कैसे बनाए हैं, अच्छे बनाए हैं, और मेरा भी बताइएगा कि मैं आपको कैसी लगी। तो चलिए चलिए जी, देखिए अभी हमने सेक्शन बना लिए हैं, तो अभी हम करेंगे स्टार्ट। ये देखिए, ऐसे हम पतले पतले से ऐसे लेयर बनाएंगे, इस तरह करके हम करेंगे स्टार्ट। इसी तरह सेक्शन यू करके लेते जाना, ठीक है? चाहे तो आप फोर पार्ट बना के आप कर लें, चाहे अगर आपको अच्छा आइडिया है तो भले आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप पकड़ के करते हैं। इसी तरह हम सारे कर लेंगे, आधे तो हमारे हो चुके हैं। इसी तरह सारे करके मैं आपको फ्रंट लुक भी दिखाती हूँ। देखिए, इसी तरह हमने पूरी एक एक लेयर उठानी है, ऐसे ही हमने सारे करने। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमने ये पर्म कर लिए हैं बाल। ऐसे बहुत शौक था, ये कब से मुझे कह रहे थे कि बाजी मेरे बाल पर्म कर रहे हैं। जिनके सिल्की होते हैं उनको पर्म बालों का शौक होता है, और जिनके पर्म बाल होते हैं उनको सिल्की बालों का शौक होता है। तो बस ये शौक इंसान के, हर किसी न किसी में कोई ना कोई शौक तो होता ही है। जो चीज़ अल्लाह ने नवाजी होती है, हम कहते हैं कि अब ये नहीं, अब ये होना चाहिए। चलिए ये देखें, हमने बाल इनके पर्म कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। इसको बहुत शौक था, ये कब से कह रही थी बाजी मेरे बनाए बनाए।
तो मैंने आज कर दिए हैं। तो कमेंट्स में भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे लग रहे हैं और ये कैसे बने हैं। ठीक है, अब हम दिखाते हैं आपको बैक लुक। देखिए माशाल्लाह से फूल फूल के कितने प्यारे लग रहे हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से। इसके बाल सिल्की थे, तो चलिए जी कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि मैंने हेयर कैसे सेट किए हैं माशाल्लाह से। ज़बरदस्त, बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलिए जी, वीडियो अच्छी लगी हुई हो आपको मेरी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये पर्म बाल कैसे लग रहे हैं, तो खाने में आज मैं बनाऊंगी आलू बैंगन। तो अभी चलते हैं अपने किचन में और खाने की करते हैं तैयारी। वेलकम। चलिए जी, अब हम आ गए हैं किचन में। तो खाने में आज बनाएंगे आलू बैंगन। ये आज हस्बैंड की चॉइस थी कि मैं बनाऊँ, और बच्चे कह रहे हैं कि हम नहीं खाएँगे, तो कहा चलो कुछ और बना दूँगी उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 खाने के चम्मच लिए हैं दही, 2 खाने के चम्मच लिए हैं मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया हरी मिर्ची है मीडियम, 2 प्याज है और 2 टमाटर। तो वॉक मैंने लिए है, इसमें मैंने 1 कप डाल दिया है ऑयल। तो अभी ऐड करेंगे अपने प्याज। अभी हम ऐड कर रहे हैं अपने प्याज, प्याजों को करेंगे हम गोल्डन ब्राउन। तो बच्ची ने काटी थी सब्ज़ी तो बताना भूल गई कि बेटा पानी में रखना, तो देखिए ब्लैक होगी मेरी बैंगन। अभी इनको करेंगे हम गोल्डन ब्राउन। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन बस होने वाले हैं, और पानी हमने रख दिया है, साथ में चावल उबाइल करूँगे। तो ये देखिए, कल ये कैप गिरा है मुझसे तो ये टूट गया है, तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि ये देखिए ये मेरा वॉक का कैप ख़राब हो गया। मैंने कहा चलो मार्केट चक्कर लगा तो इंशाल्लाह ये लगवा लूँगी, बस मेरे हाथ से छूट गया। अच्छा, सब्ज़ी जैसे भी बननी हो ना, सूखी सब्ज़ी जैसी, मैं ना चावल उबाइल कर लेती हूँ, मुझे भी बड़ी खानी मुश्किल लगती है। और मैं इनके बाबा कहते हैं बच्चों के साथ तुम भी बिगड़ी हुई हो, कि जिस दिन सब्ज़ी बनाओ तो उस दिन बस शोर मच जाता है घर में। तो मैं खुद भी ऐसी हूँ कि मैं कहती हूँ कि चलो साथ में ना चावल उबाइल करते हैं, मुझे चावल ही अच्छे लगते हैं। चलिए जी, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर आपको पता है सालन का कलर ख़राब हो जाता है ज़्यादा भी अवर करते हैं। पहले भी ऐड कर देंगे हम अपने टमाटर, अदरक लहसुन को भी हमने 1 मिनट भून लिया था अच्छी तरह से। टमाटरों को हम कर देंगे मैल। चलिए जी, टमाटर हमारे माशाल्लाह से बड़े अच्छे मेल्ट हो चुके हैं, तो भी ऐड करें हम अपना नमक मिर्ची, ये भी हमने लिया है खाने का चम्मच। एक खाने का चम्मच ऐड कर दिया हमने रेड चिली पाउडर, और 1/4 टी हमने कर दी हल्दी, और हसबे ज़रूरत कर दिया हमने नमक। ठीक है, मसाले को अच्छी तरह से हम अपना 2 से 3 मिनट अपना भून लेंगे सही, ताकि मिर्ची का कच्चापन निकल जाए हमारे। चलिए जी, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से हो चुका है रेडी, हमने खूब भून लिया है, तो अभी हम कर देंगे अपनी सब्ज़ी। पानी भी उबाइल हो चुका है, तो चावल भी साथ ऐड कर देंगे। ये मेरे साथ मेरी भांजी हेल्प करवा रही है, चावल वो ऐड कर रही है अंदर, और मैं अपने सालन को अच्छी तरह से भून रही हूँ। मुझे कम कम भी ना हम इसमें ना 3 मिनट का लगा दे दम, ताकि ये हमारा अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाए।
दो से तीन मिनट से ज़्यादा ही हमारा टाइम हो गया, तकरीबन तीन चार मिनट। देखिए माशाल्लाह से तीन चार मिनट में हमारी साल ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा लुक दे दिया। चलिए अब जो मैंने दो से तीन चम्मच अपना रखा हुआ था दही, हम वो ऐड करेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का लगते हैं। अच्छा, दही डालने से ना मुझे जब खाने का टेस्ट में ना बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आता है, बहुत मज़े का लगता है। चलिए अभी थोड़ा सा हम लोग हरी मिर्ची और धनिया इसके अंदर ऐड करें और थोड़ा सा लगा देंगे पानी, तकरीबन एक कप, ताकि ये आलू हमारे कच्चे ना रहें। चार पाँच मिनट का एक दफ़ा और दम लगा दें तो माशाल्लाह से ये हमारी वेजिटेबल बड़ी अच्छी रेडी हो जाएगी। कह रही है हमने आलू बैंगन नहीं खाना था, हमने ये शोरमे मंगवा लिए हैं बाबा से तो हम ये खाने लगे हैं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए मेरी बेटी माशाल्लाह से, बस थोड़ा सा पानी लगा देंगे और फिर दो से तीन मिनट का लगाएंगे। देखें आलू हमारे अभी भी थोड़े थोड़े कच्चे हैं तो ये पानी इसलिए लगाया था कि ये हाँ अच्छी तरह से गल जाएंगे। चलिए जी देखते हैं, सालन हमारा हो चुका है रेडी, तो माशाल्लाह से देखें बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। आलू भी हमारे माशाल्लाह से गल चुके हैं, ये देखें क्या टूट रहे हैं। तो चूल्हा भी हम बंद कर देंगे। तो चलिए जी टेस्ट करके भी हम बताएंगे। बच्चों ने तो आपके सामने खा लिए हैं शॉर्मा, तो फिर अभी मैं रह गई हूँ तो यही है कि अभी हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं उनके साथ खाऊंगी। पहले बच्चों के साथ खा लेती थी, अब बच्चों ने खा लिया तो अब मेरा भी अकेली का दिल नहीं चाहेगा, तो फिर अभी यह है कि चलिए जी ये मेरी वेजिटेबल आपको अच्छी लगी हुई हो और बाल जो मैंने क्रम किए थे सिस्टर के अच्छे लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जी दस्तरखान लगाया है, हस्बैंड तो यहाँ नहीं खा रहे तो उनको मैंने कमरे में दे दिया है, तो मैंने कहा आपको तो बताना ज़रूरी है कि मैंने टेस्ट करके तो ज़रूरी बताना है कि ये कितना मज़े का बना है। ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा और मैं भी आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये आलू बैंगन और राइस साथ में चावल कितने मज़े के लगे। ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बना है, ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। और सोनिया बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मैं, माशाल्लाह से उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मेरा साथ दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया बाजी। चलिए अल्लाह हाफिज़।